टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी। मैंने इसके ऊपर पूरा फुल डिटेल्स का एक वीडियो भी बनाया है पूरी मेमोरी के ऊपर। अगर आपने ना देखा हो वो उसे ज़रूर देखिएगा। अगर आप ओ लेवल आईटी टूल्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ओ लेवल में, तो आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने ना ये वीडियो सारे देख लिए ना, तो आप 100% श्योर कि आपकी ए ग्रेड आने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल बेसिक्स मैंने पढ़ाए हैं सारे क्वेश्चन, ये सारे ट्रिपल सी के लिए भी कवर हो जाते हैं। ट्रिपल सी में जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं इसमें पढ़ा देता हूँ, वो लेवल में जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं इसमें पढ़ा देता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी होती है, इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डेटा कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद अपने आप डिलीट हो जाता है। मैंने बताया था, मैंने और वीडियो बनाया बेसिक से, उसमें आप देखिएगा वोलेटाइल मेमोरी मैंने समझाया था। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? बेसिकली वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें डेटा और कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद डिलीट हो जाए। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम की तुलना में मेन मेमोरी, एंड इसे प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं। इसकी स्पीड फास्ट होती है एंड साइज में कम तथा नॉर्मली मिलने वाली मेमोरी से कॉस्टली होती है। यह दो प्रकार की होती है, जैसे रैम और रोम। मैंने बेसिक से वीडियो बनाए हैं सारे, फिर प्राइमरी मेमोरी का वीडियो था, और मैंने पूरा मेमोरी के ऊपर वीडियो बनाया। अगर आपने वो नहीं देखा, अगर आप पूरा मेमोरी वाला वीडियो देख लेंगे ना, तो आई एम 100% श्योर कि आप मेमोरी की एक एक पार्ट जान जाएंगे, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन शॉर्ट में बनते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। 4 बिट का समूह निब्बल कहलाता है, 8 बिट का समूह वाइट कहलाता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टाइम बर्बाद ना करते हुए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।